सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू के पिछले वीडियो में हमने देखा कि बीरस ब्रोली अपना पूरा जोर लगा देते हैं और एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिससे ब्रोली जमीन पर गिर जाता है। अब वहां वेजिटा आता है और वो गोकू को डराने लगता है, मगर इस बार गोकू वेजिटा की डांट नहीं सुनता और वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ बेलमोड और चैंपा अपने एंजल्स को कहते हैं कि वो यूनिवर्स 7 से बात करे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और हाँ, काफी लोगों ने कल कमेंट किया था कि इस सीरीज का एंड मत करो, तो मेरे दोस्तों आप अगर सपोर्ट करोगे तो ये सीरीज खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ, मगर लाइक उस हिसाब से आते नहीं है। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी साथ में किया करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेडोस कहती है, मार्गरेटा हमें बाकी एंजल्स को भी साथ ले जाना चाहिए क्या? मार्गरेटा कहती है, नहीं वेडोस, हम वहां लड़ने नहीं जा रहे हैं। वेडोस कहती है, हाँ मगर एक और एंजल साथ में होता तो बाद में थोड़ा वजन रहता। मार्गरेटा कहती है, तो एक काम करते हैं, हम कुसु को साथ ले चलते हैं। वेडोस कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा। अब सीन ऊपर जाता है, वो कहता है, ब्रोली आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ब्रोली मैं तो तुम्हारी ये ताकत देखकर हैरान ही हो गया था। ब्रोली कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो कैकरोट? गोकू कहता है, हाँ ब्रोली, तुम्हारी वजह से ही लॉर्ड बीरस को अपना सबसे खतरनाक मोड को बाहर लाना पड़ा। वाकई में तुम इसे अच्छे से सीख चुके हो। ब्रोली पूछता है, मगर मुझे लगता है कि मुझे और ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू कहता है, हाँ इसमें कोई शक थोड़ी है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तो जितनी ट्रेनिंग करो उतनी कम है। तभी वहां पर विश आता है और कहता है, हाय गोकू। गोकू कहता है, विश तुम यहाँ, क्या कोई मुसीबत आई है? विश कहता है, हाँ गोकू एक मुसीबत आ गई है। गोकू कहता है, क्या मुसीबत है विश, मुझे बताओ। विश कहता है, तुमने लॉर्ड वेजिटा के साथ झगड़ा किया था, तो ये बात लॉर्ड बीरस को पता चल गई है। ये सुनकर अब गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या, मगर ये उन्हें किसने बताया? विश कहता है, वो गोकू ये बात लॉर्ड बीरस को मैंने ही बताई थी। गोकू कहता है, क्या तुम्हें पता है ना कि वो कितना गुस्सा करते हैं? विश कहता है, अब अगर तुम और देरी करोगे तो शायद वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। गोकू कहता है, ठीक है विश जल्दी से चलो। अब सीन वेडोस और मार्गरेटा पर जाता है। वो यूनिवर्स 10 पर कुसु के पास जाते हैं, मगर वहां पर मोहितो भी होता है। मार्गरेटा कहती है, अरे वेडोस ये मोहितो यहाँ क्या कर रहा है? वेडोस कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। मोहितो कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? मार्गरेटा कहती है, ये ही क्वेश्चन हम आपसे भी पूछने वाले थे। मोहितो कहता है, मैं तो यहाँ बस अपनी बहन कुसु से मिलने आया था। मार्गरेटा कहती है, हाँ हम भी यहाँ अपनी बहन कुसु से मिलने आए हैं। कुसु कहती है, तुम सभी शांत हो जाओ और वेडोस बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? वेडोस कहती है, कुसु यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर लॉर्ड वेजिटा ने गॉड्स के रूल को ब्रेक किया है। कुसु कहती है, अच्छा मगर क्या किया उसने? मार्गरेटा कहती है, उसने मेरे यूनिवर्स में आकर मेरे डिस्ट्रॉयर पर हाथ उठाया है। कुसु कहती है, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। मोहितो कहता है, ओह तुम क्या कर रही थी मार्गरेटा तब? कुसु कहती है, मोहितो ये वक्त मजाक का नहीं है, बल्कि यहाँ सीरियस बात हो रही है। वेडोस कहती है, हाँ और इसी बात को लेकर हम यूनिवर्स 7 पर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। कुसु कहती है, ठीक है वेडोस मैं भी चलती हूँ वहाँ। मोहितो कहता है, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। मार्गरेटा कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। मोहितो कहता है, अरे मेरी बात मान लो, मैं उस विश को अच्छे से समझा दूँगा। कुसु कहती है, ठीक है मोहितो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। मोहितो कहता है, शुक्रिया कुसु। वेडोस पूछती है, क्या हमें और एंजल्स की ज़रूरत है कुसु? कुसु कहती है, नहीं हम संभाल लेंगे। अब सीन बीरस के प्लैनेट पर जाता है। गोकू कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बीरस कहता है, क्या विश ने तुम्हें बताया नहीं? गोकू कहता है, हाँ बताया था।
बीरस कहता है, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत अकल है भी या नहीं, अपने ही दोस्त से झगड़ा करके जा रहे हो। गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं वेजिटा से नाराज नहीं हूँ। बीरस कहता है, सुन लिया तुमने वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, चलो अब दोनों हाथ मिलाओ। अब जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं, वहां पर वेडोस, मार्गरेटा, मोहितो और कुसु आ जाते हैं। बीरस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आप सभी यहाँ पर कैसे? वेडोस कहती है, हमें डिस्ट्रॉयर के रूल्स के ऊपर एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बीरस कहता है, अच्छा। विश कहता है, क्या बात है एंजल्स, आप सभी एक साथ तो यहाँ पर कभी नहीं आए। मोहितो कहता है, क्या करे, बात ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा। विश कहता है, बात क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार्गरेटा कहती है, तुम्हारे डिस्ट्रॉयर ने मेरे डिस्ट्रॉयर के ऊपर हाथ उठाया है और वो भी हमारे यूनिवर्स पर आकर। वेजिटा गुस्से वाला फेस बनाकर देखता है मार्गरेटा की बात सुनकर। बीरस शॉक हो जाता है। बीरस कहता है, वेजिटा ने ऐसा किया? मार्गरेटा कहती है, हाँ इसने मेरे डिस्ट्रॉयर को धमकी भी दी है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, ये बेलमोंड ने तो छोटे बच्चे की तरह मेरी शिकायत लगा दी। बीरस कहता है, चुप करो वेजिटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड्स के रूल को ब्रेक करने की? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आपने मुझसे इस चीज के लिए यूनिवर्स 11 ले जाने के लिए कहा था, आपको पता है ना कि ये गलत है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस और विश, आप दोनों को पता है उस ओमनी कैकरोट को बेलमोड ने ही भेजा था ताकि वो मुझे खत्म कर सके, तो अगर कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा तो क्या मैं उसकी आरती उतारूंगा? कुसु कहती है, वेजिटा तुम्हारे पास इस चीज का कोई सबूत है? वेजिटा कहता है, कैसा सबूत, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कुसु कहती है, विश अब तुम्हें अपने डिस्ट्रॉयर को इस ड्यूटी से निकालना होगा। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ऐसा मत करिए, ये अभी नया नया डिस्ट्रॉयर बना है इसलिए इसे गॉड्स के नियम कायदे का कुछ पता नहीं है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बीच में मोहितो बोलता है, विश देख रहे हो तुम अपने डिस्ट्रॉयर की बदतमीजी, क्या तुमने इसे यही सिखाया है? गोकू कहता है, प्लीज आप सभी शांत हो जाइए और इस बात को ठंडे दिमाग से सुलझाइए। वेडोस कहती है, हाँ तो अगर वेजिटा लॉर्ड बेलमोड के पास जाकर माफी मांग लेते हैं तो हम वेजिटा को एक चांस दे देंगे। वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या माफी, और मैं, ये हरगिज नहीं हो सकता, मैं उस जोकर से कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। मार्गरेटा कहती है, विश ये तो हर चीज मना कर रहे हैं, इसे समझाओ कि हम इसे पनिशमेंट देने आए हैं ना कि इसकी राय लेने। गोकू मन में कहता है, मुझे इनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप बात करिए, मैं घर जा रहा हूँ। बीरस कहता है, ठीक है गोकू। मोहितो कहता है, विश एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आज वेजिटा हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर कोई रूल किसी के लिए नहीं होगा, हम लोग भी रूल्स ब्रेक करेंगे। विश अब सीरियस फेस बनाता है और कहता है, ठीक है अब आप सभी जाइए, मैं लॉर्ड वेजिटा को आप लोगों के पास भेज दूंगा। मोहितो कहता है, अगर ये नहीं आया तो यूनिवर्स 7 पर हमारे लोग हमला करेंगे। बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है। अब वो एंजल्स वहां से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, ये तुमने क्या कहा विश, मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। बीरस कहता है, तुम्हें जाना ही होगा और जाकर उस जोकर से माफी मांगो। वेजिटा कहता है, ये नहीं हो सकता लॉर्ड बीरस। विश कहता है, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ लॉर्ड वेजिटा। सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की स्टोरी में क्या चल रहा है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है, मगर आगे जाकर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और कल हम देखेंगे कि विश किस तरह से वेजिटा को मनाता है, बातों से या लातों से, ये कल पता चलेगा। आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।